अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैज बाजी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वादर में। अभी आया हूँ यहाँ पर आज होंडा शोरूम पे। आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ होंडा शोरूम पे। जाएंगे अंदर, जाएंगे देखते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ से बाइक है, इनका रेट्स मालूम करते हैं और कौन से मॉडल बाइक यहाँ पर मौजूद है ग्वादर में, आप लोगों को दिखाते हैं, साथ रहिएगा। तो भाई ये माशाल्लाह ग्वादर का होंडा शोरूम है। अभी अंदर जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे न्यू बाइक हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, जोड़े बच्चे बरबर तबीयत बच्चे खरीदते। भाई ये होंडा शोरूम का अंदर का व्यू है और यहाँ पर डिस्प्ले के लिए तीन बाइक खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साबिर है और मैं बतौर सी आर ओ पर काम कर रहा हूँ। इसकी मैनेज है कस्टमर रिलेशनशिप, जो मैं अपने कस्टमर को गाइड करता हूँ शोरूम के हवाले से और पार्ट्स के हवाले से और सर्विस के हवाले से। जब आप सब आप आए हो तो आपको भी गाइड कर लेंगे इंशाल्लाह, बाइक के बारे में और सर्विस के बारे में और पार्ट्सों के बारे में आपको समझाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि हमारे होंडा के कितने मॉडल हैं और इनके क्या क्या रेट हैं, आप सबको आपको बताएंगे इंशाल्लाह। भी हम जाएंगे पास फ्लोर पे। भाई ये होंडा सीरीज 70 है और इसका एक खूबसूरत सा कलर भी है। ये होंडा सीरीज 70 है, इसकी एक खासियत ये है कि आपको पेट्रोल की बहुत बचत देती है और इसमें आपको तीन कलर मिलेंगे, रेड, ब्लू और ब्लैक, ये तीनों हमारे पास अवेलेबल है। फिलहाल 24 मॉडल चल रही है हमारे यहाँ। इसकी कीमत 1,57,900 इसकी रेट है। 2024 में नया कलर आया ब्लू, इसके साथ इन्होंने ग्राफिक भी चेंज करी है और इसी के साथ नया पोर्शन भी लगा हुआ है ब्लू कलर के। ये जो नए मॉडल में अभी लॉन्च हुई है, फिलहाल 24 मॉडल में यही चल रहा है ज़्यादातर हमारे कराची में या दूसरे जो बड़े शहरों में ये कलर माशाल्लाह बहुत चलता है यहाँ पे। ये भी 70 का रेट है, सारा टैक्स के साथ सब कुछ। ये 2024 के स्लिप के अंदर नया मॉडल आया हुआ है, ये गोल्ड एडिशन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं, इसमें डायलों का तब्दीलियाँ और इंडिकेटर्स। और इस मॉडल में नया काम उन्होंने किया है को जो है शाख, ये बुकेबल्स का कलर चेंज किया है, हब का कलर चेंज किया है क्योंकि हमारे यहाँ ग्वादर में ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से उन्होंने ये कलर चढ़ाया हुआ है। और इसी के साथ आपको नया मोनोग्राम भी मिल जाएगा इसके अंदर, ये जो गोल्डन कलर में आपको नज़र आ रहा है, आपको गोल्डन मिलेगा 2,92,000 सलासर में भी नज़र आएगा गोल्डन कलर की पिलर। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये नया पट्टी हमने इस पर ऊपर लगा हुआ है, ये भी गोल्डन कलर के। इसमें ये पर्क भी है कि सादे और दो स्लिप इसके अंदर रहते हैं। सादे में है जिसकी इंडिकेटर की कलर सुर्ख है और इसकी फिलहाल सफ़ेद है। एक नया एक काम उन्होंने बेहतरीन किया है कंपनी ने कि यहाँ पे रेट भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ आपको नज़र आएगा टैक्स के साथ, ये सारा रेट। राइडर 100, ये होंडा की प्राइड है, ये माशाल्लाह पेट्रोल की सबसे ज़्यादा बचत ये देती है क्योंकि इसमें आपको तीन कलर मिल जाएंगे, रेड, ब्लैक, ब्लू, आप देख सकते हैं ये अपना। ये 2022 तो है, अभी एक नया मॉडल भी लॉन्च हो चुका है लेकिन 2022 फिलहाल हमारे पास पड़ा हुआ है, इस पर नया मॉडल भी इंशाल्लाह कल आपको मिल जाएगा। राइडर है आपको देखते हैं, इसको हम बोलते हैं राइडर 100, ये होंडा की प्राइड है, ये आपको भी पेट्रोल की बहुत बचत देती है। इसी के साथ आपको तीन कलर मिल जाएंगे, एक ब्लू, ब्लैक और रेड के साथ। रेट्स रेट इसकी है 2,08,900 की आपको पड़ेगा, 2,00,000 के साथ 2,08,900 को पड़ेगा। ये है CB125F, सही है, ये दो मोटर कम्बाइन से बना हुआ है, एक जो पुराना वाला था डीलक्स और एक था ड्रीम 125, उन दोनों का कम्बाइन मिला के हमने हमारे कंपनी ने ये नया मॉडल बनाया हुआ है। ये 2019 में लॉन्च हुआ था सिर्फ स्टार्ट के साथ ही है। फिलहाल ये है 2024 मॉडल। अच्छा ये अगर आप देना चाहोगे तो आपके लिए मोबाइल है, जिस तरह के हमारे इलाके में गाड़ियों में शार्क क्वेश्चन करते हैं जिसकी रोड ग्रिप है वो तो ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और पहली बार होंडा में पेट्रोल की टेंशन नहीं है, जो भी बाइक है वो पेट्रोल में आपको बचत देती है। रेट आपको पड़ेगी
3,90,900 की टैक्स के साथ ही है। ये होंडा है ज़्यादा हमारे यहाँ बिकता है 125 CG 125। ज़्यादातर जो कराची हो या दूर दराज के इलाके हों तो ज़्यादा 125 ही चलती है होंडा में। दूसरे नंबर पर गोल्डा भी चल रहा है माशाल्लाह। इसकी जो बहुत डिमांड है हमारे यहाँ, जो आप बुकिंग करोगे कम से कम आपको 1 महीना लग सकता है, इस तरह का डिमांड है चल रहा है। ये हमारे दूसरे मंजिल पर आए थे, अभी चलेंगे तीसरे मंजिल पर जो है हमारा पार्ट्स और सेल की। अभी ऊपर जाएंगे, ये होल सेल के हिसाब से होंडा के जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे भाई। सारे टंकियाँ हैं यहाँ आपको 125 के सारे पार्ट्स A to Z मिल जाएंगे। बाकी बड़े बाइकों के थोड़ा शॉर्टेज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह CD70 या 125 या प्राइडो के सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं मेरे पास। ये काफ़ी मजबूत है जी, बिल्कुल होंडा की चीज़ हो और मजबूत ना हो ये तो नहीं हो सकता। हाँ काफ़ी भारी है। वैसे ये सिंगल कितने का होता है? ये अभी चल रहा है 3,000 के फिलहाल। 3,000 का चलेंगे। कोटेशन क्रोम में आता है, जो आपने नीचे देखा वो गोल्डन था, ये सिल्वर कलर में क्रोम उसको बोलते हैं। ये भी स्लिप स्टार्ट है। इस गोल्डन में सिर्फ ये फर्क है कि इस गोल्डन की जो है टांकी जो उसकी ग्राफिक है वो तब्दील हो चुकी है, और ये पहले आता था कोरम में, और जो आपने देखा है और नया मॉडल 24 मॉडल का आता है। इतना भी से ये भी 24 मॉडल है, ये भी 24 में दो आते हैं फिलिप में। अच्छा, एक गोल्ड में एक कोरम में। और रेट में कितना फर्क है? कितना फर्क है? ये है 2,82,900। इसके इंडिकेटर गोल्डन के, और इसे आप देख रहे हैं कि इसमें जो येलो कलर के हैं उसके हैं सफ़ेद कलर के। ये रहा होंडा CG125 सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली की बाइक ये CG125, उसकी डिमांड बहुत है। ये फिलहाल मेरे पास 24 मॉडल पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसका रेट्स क्या है? रेट है इसकी 2,34,900 की आपको पड़ेगी। 2,34,000। ये भी इसका रेट है जबरदस्त। ये है CD70 ग्रीन, जो है सीडी का दूसरा मॉडल। ये इसकी जो है इसमें ज़्यादातर खासियत शाखों का आता है, जो उससे ज़्यादा चलाने में ज़्यादा मुलायम है। बहुत फर्क है इसमें चलाने में, सीढ़ी में चलाने में। और इसकी रेट है 1,68,900 की आपको पड़ेगा। इसमें आपको देख रहे हो इसके साथ आपको शिन भी मिल जाएगा खूबसूरती के लिए। इसके पीछे कावल भी लगे हैं, जो CD70 हैं छोटे लगे हैं लेकिन इसमें बड़े लगे हुए हैं। और ग्वादर के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि इसके जो है इंजन में कलर लगा हुआ है। और ज़्यादातर हमारे यहाँ आपको जैसे आपको मालूम है आप ग्वादर के हो, ज़्यादातर यहाँ पे इंजन काले पड़ जाते हैं, लेकिन कंपनी ने इसको पहले से ही काला कर दिया है। वैसे ये आपको मुफीद मिल जाएगा। अभी चलते हैं जो हमारा सबसे महंगा मॉडल CB150, वो आपको दिखाते हैं। इसमें भी आपको दो कलर मिल जाएंगे, तीन कलर मिल जाएंगे, और लेकिन दो एडिशन में, एक स्पेशल में एक सादा में, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये है 150 CC है। ये फ़िलहाल लॉन्च हुआ था 2017 को, जिसकी कीमत थी 1,65,000 थी। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये स्पेशल एडिशन हम बोलते हैं, जिसकी ये है आपको रिम देख रहे हैं, ये ऑरेंज कलर में आपको नज़र आए। ये चार कलर आते हैं इसमें, ब्लू आ जाएगा, ब्लैक, सिल्वर और ब्लैक में। और जो सिल्वर और ब्लू हैं वो स्पेशल मॉडल हैं, और ब्लैक और रेड वो आपको सादा मॉडल। ये आपको ब्लू पड़ेगी 4,57,900 की, जो स्पेशल वर्जन होती है, और सादा है 4,94,900 की। ये अगर आप उसको सवारी करना चाहोगे तो आपको उसका फर्क पता चलेगा जब आप उसको राइड करेंगे। ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं वो होते हैं ट्रैवल वाले, जो ट्रैवल करते हैं बाइक के जरिए, ज़्यादातर वो लोग इसको यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन है। इसका टैंकी का गेज क्या है? टैंकी कैपेसिटी है 13 लीटर। खूबसूरती बताता हूँ, ये आप देख रहे हैं इसके शोर लगे हुए हैं, ये खूबसूरती में ज़्यादा मतलब इजाफा करती हैं। इसी के साथ आपको जो इंजन नज़र आई है ब्लैक कलर की,
देख रहे हैं ये सबसे खासियत इसके इंजन की है जो गर्म नहीं होती जहाँ तक है। और आप ये भी देख रहे हो उसकी जो है मफलर बेहतरीन डिज़ाइन के साथ ही है। और इसी के साथ आपको ये भी नजर आएगा ये भी खूबसूरत तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया है। और आप ये गेटर भी देख रहे हैं ये भी 24 मॉडल के इस तरह के वो लगे हैं। इसकी ये खासियत ये है कि इसके सामान जो हैं ये सीधा जापान से आते हैं। बाकी वो मॉडल आपको मैं यहाँ सारे आपको लाहौर गवादर या सारे इलाकों मिल जाएंगे लेकिन इसके जो है पार्ट्स कम मिल जाते हैं क्योंकि ये दूसरे मुल्कों से आते हैं जैसे कि जापान से। मीटर भी देख रहे हो इसमें जो है किलोमीटर भी नज़र आ रही है। आप अपने इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं किलोमीटर कि कितना चला है ये इसके ऊपर एक ये चीज़ लगा मशीन लगा है आप इसको जीरो भी कर सकते हैं। अच्छा इस तरह आप ट्रैवल करना चाहोगे तो तीन जीरो पे लगा है फिर ट्रैवल करेंगे आपको पता चला कि आपने कितने किलोमीटर सफ़र किया है। इसी के साथ आपको ये फ्यूल गेज भी नज़र आ रहा है ये फ्यूल गेज है और इसी के साथ ये गियरों का भी ये सारे उन्होंने इसी के अंदर डाले हुए। ये की एक खासियत ये भी है कि ये लोक भी होता है इसके कुछ इससे आप नज़र आ रहे हैं इसका लोक होता है जैसे धूल मिट्टी इसमें ना चाहिए। अच्छा ये इससे भाई ये लोक होता है इससे मैंने ये इसको घुमाया ये लोग को ला दिया। अच्छा ज़बरदस्त वारंटी भी होती है इनकी और इनके इंजन की वारंटी है। बॉडी वारंटी है 6 महीने 6,000 किलोमीटर के साथ जिस तरह के 6 महीने पूरे हो जाएं या 6,000 किलोमीटर इसी के साथ इसकी वारंटी बॉडी की ख़त्म हो जाएगी। जो जिम्मेदारी है कंपनी की जैसी ये शील्ड है इसका अगर रंग उतर रहा है तो उसको क्लेम देती है जैसे ये अगर इसका रंग उतर रहा है तो क्लेम देती है जैसे रस पड़ रहा हो तो उसको क्लेम देती है। बाकी स्क्रैच की कोई वारंटी नहीं है जैसे हादसे की या पानी के लगने की वजह से या कोई पत्थर वगैरह से लगने से ये चीज़ों की वारंटी कंपनी नहीं देती। जो है मेन डिपार्टमेंट सर्विस की जमील भाई आप क्या कर रहे हो इधर ये हमारा कस्टमर एरिया है जहाँ हम कस्टमर को बिठाते हैं और कस्टमर आपको एरिया पर नजर आ रहा है सारे चीज़ें हमने सहूलत दी है कस्टमर के लिए बस अपना काम भी करें और तसल्ली से बैठ जाएं। बहुत क्या कर रहे हैं जमील भाई अभी आप गाड़ी का ट्रेनिंग कर रहे हैं महीने में एक बार तो लाजम है इस गाड़ी को चेकअप करना है कि हर बार आपको आना है चेन चेक कराना है आयल लगाना है गाड़ी की हिफाजत के लिए आपको हर वक्त यहाँ पर चक्कर लगाना है जैसे आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस होगी उस तरीके से आपकी गाड़ी सही चलेगी। तो 2 महीने पहले ये गाड़ी आएगी मेरे पास ट्रेनिंग के लिए अभी वापस आएगी मेरे उस खुद ही ट्रेनिंग कर लिया। इंजन ज़्यादा वक्त लगाएगा ऑयल टाइम से चेंज होगा तो गाड़ी में ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा तो ज़्यादा इसका तेल एवरेज भी सही होगा। इस तरह गाड़ी का ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आपको इस तरह पता नहीं चलेगा गाड़ी किस तरीके से चल रही है। देखो नीचे पानी है यहाँ पर पेट्रोल इस तरह होता है कि बिल्कुल पानी होता है रफ्तार होती है उससे ज़्यादा आवर स्पीड लगाना तो काफ़ी जानलेवा है। ये मैं उससे यह कहना चाहता हूँ कि आवर स्पीड वन व्हीलिंग छोड़ दें क्योंकि ये बहुत खतरनाक है आप अकेले नहीं है पूरा फैमिली आपके साथ है बट फैमिली के साथ होते हैं आप जिस तरह नहीं करें कि कोई आपकी वजह से किसी और का ईद खराब हो ईद का सीज़न वैसे चल रहा है। आपके पास लड़के आ जाते हैं ऐसे बाइक को बोलते हैं आते कह रहे हैं इसका ये करो इसको अल्टर करो इसका ये सलासर ये बड़ा लेवल नहीं हम ऐसे काम नहीं करते हमारे पास होंडा का जेन्युइन होता है हम जेन्युइन काम करते हैं क्योंकि हमारे पास कंपनी भी हमको अलाव नहीं करती इस तरीके के काम से स्पोकेट लाते हैं यहाँ पे बड़े बड़े ये लगा उनका ये नहीं लगाते हम किससे हम हमारा पहला जो स्टेप है कस्टमर की हिफाजत करना हम कस्टमर को ज़्यादातर ज़्यादा ख्याल करते हैं कि हमें कंपनी ने जो सिखाया है कि कस्टमर हमारे लिए सरमाया होते हैं उनकी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते उनकी जान के लिए ऊपर अगर कोई लाख रुपए भी दें हम उसको इस पर नहीं लगा के देते कि ये नहीं करते अभी वन व्हीलिंग और ये स्पीड विस्पीड ये नहीं देंगे हम जो यहाँ पे आयल चेंज करते हैं जो पुराने आयल यहाँ से सीधा टैंकी पे सामने टैंकी होता है टैंकी लगा हुआ है बिल्कुल टैंकी पे उस टाइम यहाँ पे हर लिफ्ट के 10 लगे हुए हैं ऐसे
यहाँ पे आयल डालते डीजल सीधे टैंकी पे चले जाते हैं, तो इसीलिए हमारे पास ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। सफाई का हम खास ख्याल रखते हैं क्योंकि सफाई हो आपको पता है नेक्स्ट ईमान है, उसको तो ख्याल करना है क्योंकि जो हर चीज़ का लिमिट होता है ना उसी तरीके से हमको चलना है। हमारे पास टोटल 10 लिफ्ट हैं और 10 लिफ्टों में पूरा 10 के 10 टूल मुकम्मल लगे हुए हैं। ये आप चेक करें, पूरा पूरा टूल लगा हुआ है। अभी तो कुछ निकाले काम कर रहे हैं लेकिन सारे टूल लगे हुए हैं। कितने लड़के हैं? हवा का प्रेशर होता है, गाड़ियों का हवा मारते हैं, कारपेंटर को सर्विस करते हैं, यानी हमारे पास सहूलत सब कुछ मौजूद है। यानी सब कुछ हमारे पास सहूलत होते हैं। हम यहाँ व्हील थ्रू का भी काम करते हैं, पंचर भी पकड़ते हैं, जो कंपनी ने जो हमको सब कहा है उसी तरीके से उसी रूल को हम फॉलो करते हैं। हवाले से मैं हम सेफ्टी के हवाले से बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे आप जब बाइक लोगे तो आपको दो शीशे मिल जाते हैं उसके साइड मिरर वाले, वो ज़रूर लगाएं। और इसी के साथ अपने जो है इंडिकेटर ये दुरुस्त करवा लें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अहमियत है बाइक चलाने में। जब आप टर्न कर रहे हो या कोई जगह पर जा रहे हो तो ये आपको ज़रूर सेफ्टी का वैसे बहुत ज़रूरी है। ये आप लोगों को नज़र आई ये है हमारी पूरी होंडा की हिस्ट्री जो 60 साल की है। ये होंडा के पास सबसे पहले लॉन्च हुआ था होंडा का 50 जो सिर्फ 50 किलोमीटर जो 50 इसकी स्पीड थी और सीसी पुलिस तो ठीक है यार होगा जन मेहरबान जन। बस भाई दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे छोटे से वीडियो पसंद होगा और अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर आगे अपने दोस्तों पर शेयर कर जिंदगी रही। फिर मिलते हैं नई दिन नई टॉपिक नई जगह के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।